गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। वनस्पति और वातावरण का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है और इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अब सबसे पहले हमने क्या देखा कि वातावरण और वनस्पति का प्रभाव है वो बच्चे पर कैसे पड़ता है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों की जानकारी है वो टीचर के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि टीचर को जानना ये जरूरी है कि अगर बच्चे की जो माइंड कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है, और अगर बच्चे की माइंड कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वो अच्छे से नहीं पढ़ सकता, तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे के विकास के लिए, उसको उचित डायरेक्शन देने के लिए है वो बच्चे को उसका वातावरण और मन संक्रम है वो शिक्षक के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व है और इसके ज्ञान से अपना और अपने छात्रों का किस प्रकार से हित कर सकता है, इस पर अलग अलग शिक्षकों के अंतर्गत विचार है वो निम्नलिखित है। तो हम इनके अलग अलग विचार पढ़ेंगे कि जो शिक्षक है वो बच्चे का योगदान है, वो बच्चे के माइंड डेवलपमेंट में क्या योगदान दे सकता है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम का क्या महत्व है। तो हेरिडिटी की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम इन पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमता में अंतर होता है और शिक्षक इस बात को ध्यान में रखकर कम प्रगति करने वाले बालकों को अधिक प्रगति करने में योगदान दे सकता है। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब शिक्षक है वो प्रयास कर सकता है, उनको एक्स्ट्रा क्लास दे सकता है, उनको एक्स्ट्रा समझा सकता है। तो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट है वो शिक्षक क्या कर सकता है, वो लगा सकता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। मतलब बच्चा होता है, प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी होती है, अलग अलग उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनके सोचने समझने की क्षमता है, वो हर चीज क्या होती है वो अलग होती है। वंशानुक्रम और वातावरण पे डिपेंड होती है। तो उनमें क्या होती है, उनमें भिन्नताएं होती है और जो उसके विकास के साथ साथ अधिक ही अधिक स्पष्ट होती जाती है। मतलब जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है वैसे वैसे हमारे लिए अधिक स्पष्ट होती जाती है। शिक्षक बालकों के इन भिन्नताओं का अध्ययन करके इसके अनुरूप शिक्षा का आयोजन कर सकता है। मतलब शिक्षक है वो उसको कौन सा टीचिंग मेथड अपनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उस बच्चे को अच्छे से जानना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बालकों को वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं जो वांछनीय और अवांछनीय दोनों प्रकार की होती हैं। मतलब बच्चे हैं जो वंशानुक्रम और वातावरण से दोनों प्रकार की प्रवृत्ति के बालक होते हैं, तो कुछ प्रवृत्तियां उनमें ऐसी होती है जो अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ प्रवृत्तियां उनमें ऐसी होती है जो अध्यापक है उनको छुड़ाना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो गलत प्रवृत्ति के होते हैं, अपने दूसरों बच्चों के बैग से कोई चीज़ें निकालते हैं और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियां करते करते वो बड़ी चोरी करना सीख जाते हैं। तो ये चीज़ें जानना है वो शिक्षक के लिए जरूरी है। तो बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी है या अवांछनीय प्रवृत्ति को वांछनीय प्रवृत्ति में बदलने के लिए क्या करना पड़ेंगे, शिक्षक को प्रयास करने पड़ते हैं। शिक्षक इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करके वांछनीय प्रवृत्तियों का विकास और अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन या मार्गांतरण कर सकता है। मतलब अगर बच्चे में कुछ हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं है, तो शिक्षक क्या कर सकता है, उन हैबिट्स को छुड़वा सकता है। वंशानुक्रम का एक नियम यह है बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य भी हो सकते हैं। मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं। कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं योग्य होते हैं, उच्च पदों पर होते हैं, लेकिन उनके बच्चे होते हैं वो चोरी डकैती करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अयोग्य होते हैं लेकिन उनके बच्चे हैं वो बड़े पद पर पहुँच जाते हैं। तो ये क्या चीजें होती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अयोग्य माता पिता के बच्चे हैं वो योग्य भी हो सकते हैं और योग्य बच्चे को समझना है, बच्चे को जानना शिक्षक के लिए जरूरी है कि उसका व्यवहार है वो कैसा है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक भिन्नता होती है और शिक्षक एक ज्ञान से संपन्न होकर उसके शारीरिक विकास में भी योगदान दे सकता है। कि शिक्षक है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे के सिर्फ मानसिक योगदान दे रहा है वो बच्चे को। अगर बच्चे को शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, उसको खिलवा सकता है, उसको एक्सरसाइज करवा सकता है। मतलब उसके शारीरिक डेवलपमेंट भी वो कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो उसको सिर्फ पढ़ना सिखा रहा है, सिर्फ पढ़ाई में वो अपना योगदान दे रहा है। तो अगर उस बच्चे को
शारीरिक प्रॉब्लम भी है तो वो शिक्षक है वो उसको जाकर उसको भी दूर करने का प्रयास कर सकता है। बालकों और बालिकाओं में लिंगीय भेद है वो वंश अनुक्रम के कारण होता है जिससे विभिन्न विषयों में उनकी योग्यता कमियां अधिक होती है और शिक्षक इस ज्ञान से उनके लिए उपयुक्त विषयों का अध्ययन की व्यवस्था कर सकता है। मतलब कुछ लड़के या लड़कियां होती हैं तो उनमें क्या होता है जो लिंगीय भेद होता है वो वंश अनुक्रम के कारण होता है। मतलब सब्जेक्ट होते हैं ना सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे लड़कों की पकड़ अच्छी होती है कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे लड़कियों की पकड़ अच्छी होती है तो वो उनके अकॉर्डिंग है वो उनको सब्जेक्ट दिलवा सकता है उनकी हेल्प कर सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों की सीखने की योग्यता में अंतर होता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार समझाते हैं उस बात को पकड़ लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको दो बार तीन बार चार बार समझाना पड़ता है तो ये क्या होता है उसकी माइंड की कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको सिखाना पड़ता है। तो टीचर होता है वो धीरे धीरे बच्चों को सिखाता है तो वो उसको पता लग जाता है भाई इस बच्चे को एक बार समझाने पर समझ में आ जाएगा और इस बच्चे को तीन से चार बार समझाना पड़ेगा इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो दोनों के लिए उस टीचर को दोनों की कैपेसिटी है वो जानना जरूरी है जिस बच्चे को जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो टीचर मेथड अपनाकर उसको पढ़ा सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों की सीखने की योग्यता में अंतर होता है और शिक्षक इस ज्ञान से अवगत होकर देर में सीखने वाले बालकों के प्रति सहनशील और जल्दी सीखने वालों को अधिकार्य दे सकता है। मतलब जो बच्चे देर से सीख रहे हैं तो उनके क्या उनपे गुस्सा ना करके उनके प्रति क्या हो सकता है सहनशील हो सकता है उनको दो बार तीन बार चार बार उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगा के मतलब कैसे भी एफर्ट लगा के बच्चे को समझा सकता है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो शार्प माइंड है अच्छे हैं तो उनको थोड़ा सा वर्क है वो थोड़ा ज़्यादा दे सकता है। उसके बाद वर्क ने क्या कहा था कि ग्रामीण बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर की श्रेष्ठता है वो आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है और शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर शिक्षण को उसके मानसिक स्तरों के अनुरूप बना सकता है। तो मतलब ये गुणवर्थ में क्या कहा था कि जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं उनके माइंड की कैपेसिटी है वो शहर के बच्चों की अपेक्षा थोड़ी सी क्या होती है कम होती है। तो टीचर क्या कर सकता है उसमें हेल्प कर सकता है। आजकल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो गाँव में भी होने लगे हैं तो शहर का बच्चा और गाँव का बच्चा है उसकी एजुकेशन है वो सिमिलर होने लगी है तो दोनों क्या होंगे समान होंगे और उनका जो मानसिक स्तर है वो थोड़ा सा उनका अच्छा होगा। उसके बाद हम देखते हैं वातावरण का महत्व। सबसे पहले हमने क्या देखा था वंशानुक्रम का महत्व क्या पड़ता है और अभी हम देखेंगे वातावरण का क्या महत्व है। तो सोरेनसन ने क्या कहा था कि शिक्षा का उत्तम वातावरण बालकों की बौद्धिक बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय योगदान देता है और इस बात की जानकारी रखने वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रदान करने की चेष्टा कर सकता है। तो कई बार क्या होता है बच्चे के वंशानुक्रम है वो बहुत अच्छा है बच्चे की माइंड की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है लेकिन उसके बाद उसको अगर वातावरण है उसको बाहर का माहौल है वो अच्छा नहीं मिल रहा है तो शिक्षक क्या कर सकता है वहाँ का जो माहौल है वो उसके अनुरूप है वो अच्छा बना सकता है उत्तम बना सकता है। उसके बाद क्या है अनुकूल वातावरण में जीवन का विकास होता है। मतलब वातावरण क्या होना चाहिए बच्चे के अनुकूल होना चाहिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए और व्यक्ति उत्कर्ष और बढ़ता है। इस बात को समझने वाला शिक्षक है वो अपने छात्रों की रुचियों उनकी प्रवृत्तियों उनकी क्षमताओं और अनुकूल वातावरण प्रदान करके उनको उत्कर्ष की ओर बढ़ाने में सहायता कर सकता है। तो एक शिक्षक क्या होता है उसका उचित वातावरण उसका माहौल है वो अच्छा देके उसको क्या कर सकता है उसका विकास है वो अच्छा कर सकता है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं बालक अपने परिवार पड़ोस मोहल्ले और खेल के मैदान में अपना पर्याप्त समय व्यतीत करता है और इससे प्रभावित होता है। शिक्षक इन स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर ये बालक का उचित पथ प्रदर्शन करता है कि जरूरी नहीं है अगर टीचर है वो बच्चे को सिर्फ क्लास में ऑब्जर्व कर रहा है नहीं बच्चा कहाँ पे खेल रहा है उसका पास पड़ोस का जो माहौल है वो कैसा रहता है। मतलब टीचर को सिर्फ स्कूल के माहौल पर ध्यान ना देकर और उनके बाहर की एक्टिविटीज भी टीचर को बराबर ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा जो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है वो बच्चे कैसे हैं बच्चे के आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं। तो टीचर को क्या करना पड़ता है प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे का जो विकास है वो कैसे माहौल में हो रहा है। तो वो क्या कर सकता है वो बाहर का वातावरण भी क्या कर सकता है अच्छा कर सकता है। उसके बाद यूनेस्को के कुछ विशेषज्ञों का कथन है कि वातावरण का बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मतलब उसके जो आसपास का जो वातावरण है
तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा, ये किसने कहा, ये यूनेस्को ने कहा है। तो बच्चे को क्या देना है, उसको माहौल है, उसको चारों तरफ का वातावरण है, वो अच्छा देना है। उसके बाद क्या कहता था, उसकी चरित्र का निर्माण भी होता है इससे, मतलब उसके जो वातावरण है उससे उसका चरित्र का निर्माण भी होता है। और इस कथन में विश्वास करके शिक्षक बालकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे न केवल उनकी भावनाओं का संतुलित विकास हो और उनका चरित्र का निर्माण भी हो, मतलब उसका माहौल भी उसको चारों तरफ से अच्छा दे के हम बच्चे के बच्चे का जो कैरेक्टर है वो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, उसको अच्छा माहौल देकर। उसके बाद है रूथ बेंडिक ने क्या कहा था कि व्यक्ति है वो जन्म से ही निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है और उसके आदर्शों के अनुरूप ही आचरण करता है, मतलब बच्चा है वो शुरू से जैसे माहौल में रहा है वो वैसा ही आचरण करता है। अगर उसके पेरेंट्स हैं वो अधिक गुस्सा करते हैं, उसके घर पे जो रहने वाले मेंबर्स हैं वो अधिक ऐसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो वो बच्चा है वो उसका आचरण भी वैसा ही हो जाएगा, जैसे जैसा माहौल को देख रहा है अपने चारों तरफ वो वैसा ही क्या करेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। इस तथ्य को जानने वाला शिक्षक बालक को अपना सांस्कृतिक विकास करने में योगदान दे सकता है, मतलब अगर टीचर को ये लगता है कि इसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, बच्चा अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो बच्चा है वो घर वालों को भी इस चीज के लिए अवगत करवा सकता है कि बच्चे को घर पे माहौल है वो अच्छा दिया जाए, उसके साथ अच्छा बोला जाए और उसको अच्छे वातावरण में रखा जाए। तो इन चीजों पे भी क्या कर सकता है, वो ध्यान दे सकता है। प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट वातावरण होता है, बालक को उसी समाज के अनुसार वातावरण से अपना अनुकूलन करना पड़ता है, मतलब जिस प्रकार की उसकी सोसाइटी है उसको क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और इस बात से भली भांति परिचित होने वाला शिक्षक विद्यालय को लघु समाज का रूप प्रदान करके बालकों को अपने बृहद समाज के वातावरण से अनुकूलन करने की शिक्षा दे सकता है, मतलब बच्चा है जो बाहर का माहौल है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो शिक्षक क्या कर सकता है, उसको स्कूल के अंदर एक अच्छा माहौल दे सकता है, तो ताकि बच्चा क्या कर सके, अच्छा सीख सके, उसका करैक्टर अच्छा हो सके और वातावरण क्या कर सकता है वो उसके बच्चे के अकॉर्डिंग अनुकूलन वातावरण के प्रति उसको अनुकूलन कैसे करना है वो उसको सिखा सकता है। वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है, ठीक है, मतलब बच्चा है वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो है उसके वातावरण पे डिपेंड है। वातावरण ये निश्चित करता है कि बालक बड़ा होकर अच्छा बुरा चरित्रवान चरित्रहीन संयमी व्याभिचारी या व्यापारी साहित्यकार देश प्रेमी या देशद्रोही बनेगा। तो ये चीजें क्या होती है उसके माहौल पे डिपेंड करती है कि बच्चे को जो घर का माहौल है बाहर का माहौल कैसा मिल रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर वो क्या वो उसके जो आस पड़ोस है वो चोरी डकैती वाले हैं उसको आस पड़ोस भी अच्छा नहीं है तो वो जैसा माहौल देख रहा है उसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा वैसा ही हो जाएगा और जैसे उसके पेरेंट्स बिहेवियर करते हैं बच्चा उसी डायरेक्शन में जाएगा। इस तथ्य पर मनन करने वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिए ऐसे वातावरण का सृजन कर सकता है जिससे उनका विकास है वो उचित दिशा में हो सके। अगर टीचर को लगता है कि बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो स्कूल में उसको अच्छा माहौल दे सकता है, उसको अच्छे से समझा सकता है, जो गलत उसकी प्रवृत्तियां हैं उनको छुड़वा सकता है। तो ये भी क्या होता है, इसमें भी टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। वातावरण के महत्व को समझने वाला शिक्षक और विद्यालय में बालकों के लिए ऐसा वातावरण उपस्थित कर सकता है जिससे उसमें विचारों की उचित अभिव्यक्ति हो, शिष्ट सामाजिक व्यवहार हो, कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान हो और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का भी क्या हो, नियंत्रण हो, आदि गुणों का विकास अधिकतम हो सकता है। मतलब बच्चे को ये शिष्ट व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, उनकी कर्तव्य है, उसके अधिकार है, मतलब अगर टीचर उसको अच्छे से स्कूल में बताता है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, उन चीजों को सीख सकता है। उपयुक्त वेतन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मतलब उसका वंशानुक्रम कैसा है और उसको जन्म के बाद आस पड़ोस का परिवार का माहौल कैसा मिला है, तो इन चीजों की जानकारी है वो टीचर के लिए रखना बहुत जरूरी है। मतलब एक बच्चे को सुधारने के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, उसका बेस है वो जांच करना पड़ेगा कि इसका जो जन्म है वो कैसे परिवार में हुआ है, इसका जो पालन पोषण है तो ये कैसे माहौल में बढ़ा है, तो उन सब चीजों की
जानकारी होती है वो टीचर के लिए जरूरी है। इस प्रकार ज्ञान से संपन्न होकर वह अपने छात्रों का वांछित और संतुलित विकास कर सकता है। इसलिए सोरेनसन के अनुसार शिक्षक के लिए मानव विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव और पारस्परिक संबंध का विशेष ज्ञान महत्व रखता है। मतलब टीचर है वो उसको उस बच्चे का सारा टोटल ज्ञान है वो क्या करता है विशेष महत्व रखता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण से इन विश्लेषण संश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वातावरण तथा वंशानुक्रम एक सिक्के के दो पक्ष हैं, एक दूसरे के लिए अनिवार्य है और मानव विकास के लिए इनको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। जैसे हमने इसके पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि जो बच्चे का विकास है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, बच्चे का वंशानुक्रम भी अच्छा होना जरूरी है और बच्चे का वातावरण भी अच्छा होना जरूरी है। तो वंशानुक्रम और वातावरण है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ना वातावरण को अलग किया जा सकता है और ना ही वंशानुक्रम को अलग किया जा सकता है। मतलब बच्चे के विकास के लिए दोनों चीजें जरूरी है और इन दोनों चीजों की जानकारी ना वो एक टीचर के लिए जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि टीचर को जानना जरूरी है कि बच्चे का जन्म है वो कैसे माहौल में हुआ है, वो पला बड़ा है, वो वहाँ उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसका जो आस पड़ोस है और जिन बच्चों के साथ वो खेल रहा है वो बच्चे कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। तो टीचर को बच्चे का सिर्फ मानसिक ज्ञान नहीं बल्कि उसका पूरा माहौल है उसकी जानकारी रखना जरूरी है। भी बच्चा है अगर गलत आदतें हैं बच्चे में तो वो किस वजह से हैं, अगर वो घर की वजह से हैं, वो आस पड़ोस की वजह से हैं, परिवार की वजह से हैं, तो ये चीजें हैं वो एक टीचर को जानना जरूरी है। अगर बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है तो वो उसको दूर कर सकता है, वो घर वालों को भी समझा सकता है और वो बच्चों को गलत प्रवृत्ति से दूर ले जा सकता है, बच्चे का अच्छा मानसिक और शारीरिक विकास कर सकता है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 समाप्त होता है। थैंक यू।